वेलकम बैक नाजरे नाजरे डॉक्टर नईम जफर से गाल जो सिलसिलो जारी है अदारा शुमारी जो चीफ ब्रेक का पैर तो कुछ डिजिटल सेंसस के हवाले से गाल किसी इलेक्शन के खदशन के हवाले से कुछ गाल कि मुमकिन है इलेक्शन या ना उन हवाले से आखिरी हिस्से में कुछ गाल कंदासी महंगाई के हवाले से असि नाजरन की शायद खबर हुए तो जो अदारा शुमारियात आको महंगाई जो अचे तो चार्ट ची हर वक्त खबर में इंदा तो महंगाई हाँ एतरा फीसद थी वही इन वक्त की सूरत हाल आ जो कि मुझे मुताबिक तो 30% का मथे महंगाई रिपोर्ट कई पी वे अदारा शुमारियात का तरफा तो यो स्टैंडर्ड कि सेट था कन तो डॉक्टर नईम जफर से इन हवा से मालूम वासी डॉक्टर साहब पहले तो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बताइएगा कि किसी गवर्नमेंट ने क्योंकि ये बड़ा उनके लिए एम्बेरसमेंट होता है ना गवर्नमेंट्स के लिए महंगाई का स्टैंडर्ड बढ़ जाए हुकूमतें चली जाती जी जी तो आपके आप क्योंकि दो गवर्नमेंट्स में हैं ना अभी वाली में पिछली में भी किसी गवर्नमेंट ने आपको ये कहा है कि यार थोड़ा सा महंगाई का जो चार्ट है थोड़ा नीचे नीचे दिखाओ मैं ये आपसे शेयर नहीं करूँगा किसी भी गवर्नमेंट को महंगाई के नंबर अच्छे नहीं लगते और आजकल जो पाकिस्तान में सूरत हाल है उसमें तो ये बहुत ही हसास मामला है पिछली हुकूमत भी जो उसका प्रीटेक्स था कि भाई बहुत महंगाई थी अब उससे कहीं ज़्यादा है तो लेकिन इदारे शुमारियात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शफाफ तरीके से ये नंबर लेता है प्रेशर होल्ड करते हैं और हम हुकूमत का प्रेशर लेते हैं हम और अपने नंबर्स को चेंज नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर हमारा एक काम है और हम उनको भी बहुत ही अदब से बताते हैं कि जी ये हम आपकी आपकी हुकूमत या आपके सियासी उसके लिए हम नंबर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि एक दफ़ा होगा तो उसके बाद ये इस तरह महंगाई के नंबर में चेंज करना ऐसी बात है कि आप किसी आदमी को अगर मार के कहीं दबा देंगे तो उसकी बदबू आएगी लाश से और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वो लाश निकल आएगी पता चल जाएगा वो तो पूरे फिर निज़ाम पे से लोगों का एतबार उठ जाता है। अब हमारा नंबर यूएन में भी जाता है आईएमएफ भी देखता है सारी बैंकिंग इंडस्ट्री देखती है सारे कारोबार वाले लोग देखते हैं प्राइवेट सेक्टर देखता है स्टेट बैंक देखता है दूसरे मालियाती इदारे देखते हैं। सादा लोगों के जहन में ये नहीं तासुर आता है कि महंगाई तो करते ही अदारा शुमारी ये मुझे इस वक्त जो पाकिस्तानी आवाम ज़ाहिर महंगाई ज़्यादा है लोग तकलीफ़ में वो देख के तकलीफ़ होती है इंशाल्लाह मुल्क इस सूरत हाल से निकलेगा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे लेकिन ये मैं अपने भाई बहनों को बता दूं कि इदारा शुमारियात महंगाई नहीं करता हम तो खाली कीमतों को रिकॉर्ड करते हैं जो भी हो रही होती हैं तो हमारी जो टाउन्स में शहरों में दुकानें हैं उस पर जाते हैं तकरीबन 350 से कुछ ज़्यादा चीज़ों के हमारा जो डेटा है उस पर हम प्राइसेस लेते हैं। अच्छा नहीं सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि हम भी तो सब्जियां वगैरह खरीदने जाते हैं ना मार्केट में जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमत तो बढ़ती है चाय की बड़ी दूसरी प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है साबुन की बढ़ जाती है लेकिन हम सब्जियों की कीमतों में वो अप एंड डाउन देखते हैं हाँ। तो आपके ख्याल में वो महंगाई पे इफेक्ट नहीं होती क्योंकि सब्जी तो आज भी अगर देखा जाए तो 40-50 रुपए किलो है पिछली गवर्नमेंट में 40-50 लेकिन आज आयल देखा जाए पिछली में 300 था आज 600 है तो फिर वो महंगाई पे आप उसको काउंट करके वो कम नहीं कर सकते कि भाई ये तो असल तो कम है ना खाने पीने की अशिया। इसमें आपने अच्छा भाई सवाल पूछा आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ और एक और बात ये हमारी जो गलत फहमी है ना कि रूरल या जो छोटे टाउन्स हैं उसमें शायद सारी सब्जियां सारे साल सस्ती हैं हमारी गलत फहमी है किसी टाउन में कोई जहाँ टमाटर है वो तो नेचुरल लोअर सिंध में मुल्क में एक तरह ही होते हैं ना एक तरह तो होता है लेकिन बड़े शहरों में क्योंकि मार्केट्स बड़ी होती हैं तो सप्लाई रहती है तो फूड इन्फ्लेशन जो हमारे रूरल इलाके हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है अच्छा अर्बन के मुकाबले में जो इम्पोर्टेड चीज़ें जैसे चाय हो गई या चीनी हो गई जिसमें एक एक आपकी कंट्रोल प्राइसेस एक मार्केट की प्राइसेस होती हैं उसमें और वो फॉर्मल उसमें आ रही होती हैं वो प्राइसेस तो उसमें डिफरेंस कम होता है शहरों में और देही इलाकों में लेकिन जो पेरिशेबल हैं सब्जी है या इस तरह की दूसरी चीज़ें जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है नहीं होती वो देहातों में ज़्यादा महंगी होती हैं क्योंकि हर तरफ से नहीं आ रही होती प्रोडक्ट को आप ऐड नहीं करते जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट होती है जैसे आजकल इंटरनेशनल सिगरेट बड़े पॉपुलर सस्ते हो गए क्योंकि पाकिस्तान में सिगरेट तो बड़े महंगे हो गए तो उनको ऐड करते हैं ये तो सस्ते हैं बिल्कुल वो ऐड होते हैं फैमिली बजट सर्वे होता है उसमें हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा क्या कंज्यूम कर रहे होते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि जनाब खाने की चीज़ों में रिक्रिएशन में तंबाकू में उनके कितना इनकम का हिस्सा जाता है उसे वेट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि माशरा क्या चीज़ कंज्यूम कर रहा है। आपके ख्याल में कि क्या ये वजह दुरुस्त है ये जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हमारी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जैसे सिगरेट की मैंने बात की या दूसरे इम्पोर्ट होते हैं जो चीज़ें जो स्मगलिकॉस्मेटिक्स स्मगल होती हैं या आजकल ये चीज़ें जो स्मगल उसकी प्राइस बहुत कम होती है तो आप
क्राइटेरिया के हिसाब से ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, ये इसकी इंक्रीज है, इसकी डाउन है, तो ये इस तरह चार्ट बनाते हैं, ये आप टोटल दोनों को मिक्स करके दे देते हैं। देखिए हम टैग प्राइस देखते हैं ना, जिसपे जैसे जिसपे आपके एक दुकानदार कोई शैम्पू लेके बैठा हुआ है, तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि ये कराची में लालू खेत में बना है या जॉनसन ने इम्पोर्ट किया है। हम तो देख भाई जॉनसन का शैम्पू है तो टैग प्राइस लगी हुई है, तो हम तो नहीं एसरटेन कर सकते, तो हम टैग प्राइस लेते हैं। गांव में जाएंगे तो भी वो टैग प्राइस लेंगे, शहर में जाएंगे चाहे वो इम्पोर्टेड है, स्मगल्ड है या दो नंबर है। तो इसके पीछे आपके ख्याल में ये जो प्राइसेस आप काउंट करते हैं, तो ये जो आपके नुमाइंदा कलेक्ट करता है वो प्राइसेस, आपने कहा कि वो पता नहीं होता कि बाहर से इम्पोर्ट होकर शैम्पू आया है या लालू खेत में बना है, तो इससे फिर हम यूं भी कहें ना कि जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट चीज़ें स्मगल या किसी गलत तरीके से बनती हैं, वो असल में मिडल मैन ही प्राइस बढ़ाता है, असल में जिम्मेदार मिडल मैन है और कोई नहीं आपके ख्याल में महंगाई का? ये इसका जवाब देना है ना, वो कुछ केस बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा एक सप्लाई चेन होती है हर चीज़ की, उसकी होल इंपोर्ट होती है, होल सेलिंग होती है, कहीं स्टोर होता है, फिर उसकी कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप, तो होर्डिंग या स्पेकुलेशन या मुनाफाखोरी वो है, वो कमोडिटीज में भी होती है, स्मगल चीजों में भी हो सकती है। कलेक्ट करते हैं डेटा वगैरह, ये आपके अपने? जी हाँ, ये हमारे अपने लोग होते हैं, पीबीएस के एम्प्लॉयज हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में, और वो रिपोर्ट कंपाइल करके हेड ऑफिस भेजते हैं। बिल्कुल, और इसका पूरा डिजिटल निजाम है, ये 5 साल 4 साल से ज्यादा हम इसको। अच्छा, ये भी डिजिटल है? अगर अच्छा, अक्सर हुकूमत को पसंद नहीं आती, जाहिर है महंगाई किसी को भी नहीं अच्छी लगती, तो कहते हैं जी आपके बंदे ने तो कहीं ऐसे ही लिख ली प्राइस, तो हम उसको बता देते हैं कि सर ये देखें इसकी वॉकिंग ट्रेल है, ये इस मार्केट में गया, इस दुकान पे गया, ये इसका जियो टैग है, और ये इस जियो टैग में ये प्राइस है, फिर वो उसका जो सुपरवाइजर तो प्राइस करता है। ये नहीं कहा कि वो जरा लोकल प्रोडक्ट की प्राइस लिख दिया करें आप, क्यों जरूरी है थोड़ी कि हैवी प्राइस? वो हम नहीं, क्योंकि अगर ये एक दफा करेंगे तो देखिए पूरा जो मालियाती और कारोबारी निजाम है ना, उसका भरोसा होता है आप पे, तो वो चेंज करने से नुकसान बहुत ज्यादा है। अच्छा, भरोसा खत्म हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर, IMF, दूसरे अदारे आपको रिपोर्ट देखते हैं, हमारा डेटा होते हैं, तो उन अदारों को क्या फायदा है? हमारे पास महंगाई हो तो वो सब बेनिफिट है, या हमारे यहाँ मतलब के सस्ताई हो तो वो उनको फायदा है? बैंक वो देखिए इसका ये ग्राउंड आप किसी कॉन्टेक्स्ट में इसका जवाब दे सकते हैं, ऊपर किसी का एजेंडा होता है ना भाई, यहाँ पे महंगाई हो तो चलो हमें फायदा है, महंगाई सेक्टर को क्या फायदा? महंगाई बता क्या रही है? महंगाई दो तरीकों से होती है, या तो कि लोगों की कुव्वत खरीद बहुत है, पैसा बहुत है और इतनी चीजें नहीं है, तो ज्यादा पैसा थोड़ी चीजों की तरफ भाग रहा है तो महंगाई भी। दूसरी सूरत यह है कि लोगों के कुव्वत खरीद तो इतनी नहीं है, लेकिन बाहर से जो चीजें आ रही है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो अभी जो सूरत हाल है वो तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, क्योंकि तेल कर लें या डॉलर की वजह से कर लें, ज्यादा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। डॉलर का भी टाइम करते हैं आपके, बढ़ गया कम हो नहीं, गया? वो हम नहीं करते। अच्छा, वो आपके? हाँ, वो हमारा असल तो कहते हैं महंगाई का टाइम ही डॉलर से होता है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी वजह से अगर कोई चीज हो रही हो, लेकिन हम डॉलर की ट्रांजेक्शन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज रिपोर्ट भी नहीं होता उस चीज को? नहीं, वो सेंट्रल बैंक का काम है, स्टेट बैंक का, फाइनेंस का काम है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आखिर में नहीं सब ये चीज थोड़ी सी बताते जाएगा कि हमने जैसे अभी प्रोग्राम में जिक्र किया कि जो गांव देहातों में हैं उनको आप रिपोर्ट करते हैं, गांव देहातों में अमूमन, अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल इस साल का ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि इस साल में आपके ख्याल में देहातों में ज्यादा महंगाई रही है, शहरी इलाकों में ज्यादा? देहातों में ज्यादा महंगाई है, और खास तौर पे जो पेरिशेबल है, और इसको बेरोजगारी के साथ भी आप लोग लिंक करते हैं बेरोजगारी देहातों में या शहरों में, ये भी आप स्टैंडर्ड बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, या वो नहीं है? बेरोजगारी का नहीं, उसमें ज्यादा इसमें नहीं आता, वो महंगाई के चार्ट्स में वो नहीं आता, सेंसेस में आ जाता है। हाँ, लेबर फोर्स सर्वे करते हैं, उसमें पता चलता है कि शहरों या क्या सूरत हाल है, इसका ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी आपसे लोग इस्तेफादा हासिल करता है या टास्क देता है कि हमें इस चीज का सर्वे दें? बिल्कुल जनाब, जितने भी बड़े आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें टेक्सटाइल है, सीमेंट है, स्टील है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे ये सर्वे मांगा कि कौन सी सियासी पार्टी अच्छी है बुरी है, जरा सर्वे? नहीं, वो नहीं करते, वो ओपिनियन पोल्स गैलप वगैरह करते हैं दूसरे, हमारा वो काम नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मेरा टीवी को अपना कीमती वक्त दिया और इस हवाले से जो अहम सवाल थे उनके जवाब दिए। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी वसातत से मैं अपने सारे नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खासतौर पर अपने मेरे जो सिंध के भाई बहन हैं, सारे पाकिस्तान से, खसूसी तौर पर सिंध के भाई बहनों से, जो हमारा अमला भी सेंसस का आपके पास आएगा,
आपके, मैं बार बार कहता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है दोबारा रिपीट करने में, कि वो आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगा, आपके दिल पे भी दस्तक देगा। मेहरबानी करके आप दोनों दरवाजे खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, डॉक्टर नईम ज़फ़र सां अज प्रोग्राम में खसूसी गालबोल के सी सेंसिस के हवाले से, महंगाई के हवाले से अहम सवाल आते जो जवाब डॉक्टर नईम ज़फ़र वो दिना, इन सा मेज़बान मुदसर के ढींदा। इजाज़त इंदड़ हफ्ते बेहर।